हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जीएस बून पर एक बार फिर से आपको, अभी इसकी एक पहली क्लास गई थी एक दो दिन पहले जीएस बून पर ही, जिसमें मैंने भारतीय संविधान की संवैधानिक विकास के बारे में एक एक चर्चा की थी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी उसको मैंने आपको बता रखा था। आज संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करेंगे, अनुसूचियों की चर्चा करेंगे और भाग की चर्चा करेंगे, और एक एक करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं। बीच बीच में ये क्लास आती रहेगी, ऐसा नहीं है कि रेगुलर आएगी, बट बीच बीच में ये क्लास आपको प्रस्तुत की जाएगी। तो आई होप आप लोगों ने बहुत लाड प्यार लाड देते हैं, सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। ये जीएस बून वास्तव में आपको वरदान साबित होने वाला है, ये आप तय करके रखिएगा। जब जिस दिन आप एग्जाम हॉल पर बैठेंगे उस दिन आपको इस चीज का अनुभव होगा। तो देर किस बात की है, आप देर नहीं करिएगा, देर करेंगे तो देर होती जाएगी ना। पहले आप में कहीं आप ही ना छूट जाएं ना। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने आरओ आरओ की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो उसे आप लेने का प्रयास करें। एक बार लेकर तो देखिएगा कैसी है, बहुत महंगी नहीं है ना। यहाँ पर आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं, आप आरओ आरओ से संबंधित नोट्स भी ले सकते हैं, जो आपको हैंड रिटन मिलेंगे, बिल्कुल हाथ से लिखे हुए एक एक टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स दिए जाते हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी समस्या ना हो ना। कोई कोई बड़ा है तो उसको बड़े में निपटाया गया है। चलिए आइए, तो बात करते हैं आज हम लोग भारत की प्रस्तावना के बारे में। तो भारत की प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई, अब यहाँ पर हम प्रस्तावना नहीं पढ़ने वाले, जो वही प्रस्तावना है तो जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखी गई थी, और फिर 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, आइए। तो कहा गया, संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिलाना है। और उसके बाद कहा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम करने वाली बंधुता को सुनिश्चित करना, यह हमारा संविधान बता रहा है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को अपनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये बात पूछी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र और मात्र एक बार संशोधन किया गया है, जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे कई ऐसी बड़ी बड़ी बातें जोड़ी गई थी हमारे संविधान में, जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बहुत से इसमें प्रावधान किए गए। कहा गया, प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूछा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर जब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम लिख कर ना आए, तब तक उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा जाता। अगली बात वही लिखी ही गई है कि लेकिन यदि प्रश्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में आए तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने का, मूल अधिकार प्रदत्त करने का एक मूल अधिकार है आर्टिकल 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि आपके सामने क्या पेश हो रहा है, तो ये भाग है, ये आपके संविधान के विषय और प्रमुख भाग है। तो क्या क्या भाग है हमारे संविधान में, कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं ना, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी। हमने अपने संविधान की बात कही, वर्तमान में ये 25 भाग हैं और ये आपके 450 प्लस संविधान अनुच्छेद हैं, और वर्तमान में ये 12 अनुसूचियां हैं। आइए बात करते हैं। कहा गया, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, भाग 2 नागरिकता की बात पूछता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात कही गई, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है, भाग 4 का में मूल कर्तव्य की बात कही गई है, भाग 5 में संघ की बात कही गई, भाग 6 में राज्य की बात कही, भाग 7 आपका समाप्त कर दिया गया था, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात कही गई, ये वाला इस बार प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया था, भाग 9 में पंचायत की बात कही गई है, भाग 9 का में नगर पालिका की बात कही गई, बाद में ये जोड़ा गया था, भाग 9 में क्या नगर पालिकाओं की बात कही गई, भाग 9 खा में सहकारी समितियों की बात कही गई है, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की बात कही गई है, भाग 10 मैंने कहा अनुसूचित जाति मतलब एससी
और एससी एसटी से संबंधित बात कही गई, अनुसूची 10 में दल बदल की बात कही गई, तो कंफ्यूजन दूर रखिएगा। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात कही गई, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद की बात कही गई, वही संपत्ति है जो कभी मूल अधिकार हुआ करती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने इसे कहां प्रस्तुत किया, तो भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300 का के अंतर्गत रख दिया। ठीक है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम करने की शक्ति प्रदान की गई है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात कही गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और खूब प्रश्न यहाँ से बनते हैं। भाग 14 का में अधिकरण या आप कहेंगे प्राधिकरण की बात कही गई है। भाग 15 में आपके निर्वाचन की बात कही गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 16 में कुछ वर्गों के उपबंध में विशेष उपबंध की बात कही गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में आपके राजभाषा से संबंधित बात की गई है। भाग 18 में आपात उपबंध से संबंधित बात कही गई है। भाग 19 में प्रकीर्ण की बात कही गई है। भाग 20 में आपके संविधान का संशोधन की बात कही गई है, आर्टिकल 368 का। हर एक भाग की बात करेंगे आपसे धीरे धीरे, ना भागना नहीं है हम लोगों को, हर एक मुद्दे पर आपको संविधान के ऊपर बात करेंगे, जागरूकता के ऊपर बात करेंगे, सब पर आएंगे धीरे धीरे ना। भाग 21 में कहा गया अस्थाई संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध के बारे में बात कही गई, जो अस्थाई है मतलब स्थाई नहीं है, ऐसा है क्या कि आंधी तूफान ज्वालामुखी भूकंप हर रोज आएगा, ऐसा नहीं है, अस्थाई है ना। कोरोना आया तो क्या स्थाई था, क्या अस्थाई था, संक्रमण कालीन था, कैसा था, संक्रमण कालीन था। भाग 22 में कहा गया है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत और पाठ और निरसन की बात कही गई, ये आपके संविधान में 22 भागों की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी संविधान की अनुसूचियां आती हैं, तो इन अनुसूचियों पर बात करते हैं। कहा गया है भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हो गई, तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा सम्मिलित किया गया था। कहा गया भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान लाया गया, जिसे हमने 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा था। 11वीं अनुसूची आपकी कहा गया है पंचायत से संबंधित है, और जबकि 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची हमने 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा, और 12वीं अनुसूची हमने 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ा। ठीक है, नगर पालिका। कहा गया शिक्षा विद्युत वन तथा आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा आप सभी लोगों को पता है, राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, और आपके केंद्र सरकार विद्युत में भी और वन में भी, ये तीन आपके, और आर्थिक नियोजन तथा आर्थिक नियोजन, इन तीन क्या है, चार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से खूब पूछा जाता है प्रश्न, ये समवर्ती सूची के विषय। कृषि पंचायती राज या स्थानीय शासन भूमि सुधार एवं पुलिस क्या होगा, पुलिस राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, जनगणना रक्षा रेल तथा वैदेशिक मामले आपकी संघ सूची के विषय में आते हैं, तो याद रखना है आपको कौन कौन से, तो कहा गया कृषि पंचायती राज भूमि सुधार और पुलिस आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया सूची, ये सूची है आपकी, जैसे संघ सूची में जनगणना रक्षा रेलवे तथा आपके वैदेशिक मामले संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आपकी कहा गया शिक्षा विद्युत वन तथा आर्थिक नियोजन आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि पंचायती राज स्थानीय स्वशासन, अब आप बताएंगे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, भूमि सुधार एवं पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस राज्य पुलिस कही जाती है, मध्य प्रदेश की पुलिस, तो ये पुलिस जो है किसमें आएगा, राज्य के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। कहा गया है अनुसूचियां उनसे संबंधित विषय, आइए देखते हैं। कहा गया ये अनुसूची है और ये विषय है,
पहली अनुसूची में कहा गया है राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में कहा गया है संवैधानिक प्राधिकरण प्राधिकारों के बारे में उपबंध है, या आप यू कह सकते हैं कि आपके दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई, किसकी वेतन की, लिख लो ऐसे। अगर ये आप नहीं समझ सकते कि संवैधानिक प्राधिकारों के बारे में उपबंध, तो वेतन लिख लो। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप, अलग अलग शपथ दिलाए जाते हैं। मैं अब वचन लेती हूँ कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चौथी अनुसूची में कहा गया राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो जनसंख्या के आधार पर रहता है। पांचवी अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, मतलब इन्हें उपबंध कैसा, अगर ये निम्न है तो इन्हें हम अपने बराबर लाने का प्रयास करेंगे अनुसूचित जातियों और जनजातियों को। लेकिन छठी अनुसूची कहती है अब केवल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और उपबंध, यहाँ पर तो पूरा आ जाता है पूरे भारत में जितनी अनुसूचित जाति और जनजाति उनके बारे में, लेकिन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की बात कही गई है, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सातवीं अनुसूची कहा गया इसमें आपकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची में, केंद्र और राज्यों के मध्य की बात है, ठीक है ना। कहा गया आठवीं अनुसूची में हमारे भाषा की बात की गई, वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं, पहले 14 भाषा हुआ करती थी, 15वीं भाषा हमने 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा, और फिर उसके बाद 3 भाषाएं हमने 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, जिसमें आपका नेपाली मणिपुरी और कोंकणी थी। फिर आप कहेंगे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं हमने जोड़ी, जिसके अंतर्गत आपका बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली आती हैं। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, मतलब भूमि सुधार किया गया, क्या किया गया, भूमि सुधार किया गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची आपका दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता रखी गई है, ठीक है ना, 1985 में हुआ था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए 11वीं अनुसूची में कहा गया पंचायतों से संबंधित प्रावधान, और 12वीं अनुसूची में कहा गया है कि नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारतीय शासन प्रणाली कैसी है, तो हमारी भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया हमने संसद में, भारत में विधि निर्माण प्रक्रिया संसद में होती है, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट झलकियां हैं। कहा गया कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जो आप पीछे पढ़े उसको रिपीट करते चले, 1974 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। कहा गया प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम निहित थी, तो किस पर, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहा गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करें। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है, मॉन्टेग्यू जेम्स पोर्ट सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया कहां पर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। यहीं पर प्रांतों में द्वैध शासन था 1919 के, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। आइए कहा गया भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या क्या है, तो क्या क्या लिया गया है, देखिएगा। कहा गया संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, मूल अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, ये जितना यहाँ पर लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना हमने कहाँ से ली, आयरलैंड से, और समवर्ती सूची के हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, भाग एक के अंतर्गत, ठीक है। कहा गया नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित होती, किसके, संसद में निहित है, ऐसी बात कहां पर कही गई, आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, इंडिया
दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इस अनुच्छेद में भारत तथा इंडिया दोनों नाम उल्लेखित है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। संविधान में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। नाम परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे अभी आपका उत्तर प्रदेश से काट कर उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है ना, और बिहार से काट करके झारखंड बनाया गया, ठीक है ना, इस तरह आप याद कर सकते हो। आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना बनाया गया, कहा गया भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश देने का अधिकार संसद को है, किसको है? संसद को है। आइवरी जेनिक्स ने भारतीय संघ को ऐसा संघ कहा है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कथन पूछ लिए जाते तो किसने कहा है कि भारतीय संघ को ऐसा संघ कहा है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, तो किसने कहा? तो आइवर जेनिक्स ने कहा। भारतीय संघ व्यवस्था को केसी वियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केसी वियर साहब कहा गया अर्ध संघी कहा है। क्या कहा है? तो भारतीय संघ व्यवस्था को इन्होंने अर्ध संघी व्यवस्था कहा है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग के संबंध में सर्वप्रथम एस के धर आयोग बना था जो 1948 में गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर कहा गया पुट्टी श्री रामल्लू 15 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश की आमरण अनशन करते हुए मृत्यु हो गई थी। ये आप भूख हड़ताल पर 56 दिन की भूख हड़ताल पर इनकी मृत्यु हो गई। और भाषाई आधार पर बना पहला राज्य आपका कौन बना? तो आप कहेंगे भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना जो 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ। 22 दिसंबर 1953 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्यों में के एम पनिकर जी थे और इनके साथ हृदयनाथ कुंजारू जी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया 2 जून 2014 को तेलंगाना औपचारिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बना। अब वर्तमान में आपके भले ही 28 राज्य है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि 29वें राज्य का दर्जा किसे प्रदान किया गया था? तेलंगाना को। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू तथा कश्मीर तथा लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र उपस्थित है या है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर मुंह न फुलाया करो। आइए, नागरिकता भाग दो के अंतर्गत आता है। कहां पर? भाग दो के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक की बात कही गई है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। हम भारत की नागरिकता लेते हैं, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं लेकिन हम भारत की नागरिकता रखते हैं अपने पास। आइए, ठीक है ना। और नागरिकता तरीकों कितने निम्नलिखित तरीकों द्वारा प्रदान की जा सकती है? जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, जैसे आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम को हमने क्या किया था? सम्मिलित किया था, ठीक है ना, 1975 में। नागरिकता कहा गया उल्लेख भाग दो में है, आर्टिकल 5 से 11 तक की बात कही गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, एक नागरिक और एक विदेशी। अब विदेशियों में देखो, नागरिकों को तो ठीक है, विदेशी में जो दो हैं, एक मित्र भी रहते हैं, एक शत्रु भी रहते हैं। तो क्या शत्रुओं को हम नागरिकता देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे, कतई नहीं देने वाले हैं ना। चलिएगा आगे, कहा गया वर्तमान में भारत में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है तो 28 और 8, समता का अधिकार है तो 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक है, ठीक है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अस्पृश्यता का अंत है, आर्टिकल 17 के अंतर्गत। मानव के दुर्व्यवहार पर बलात् श्रम का प्रतिषेध है, आर्टिकल 23। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो। करा सकते हो क्या? मुंह तोड़ देगा आपका, पता है क्यों? क्योंकि ये आपका आता है मूल अधिकार के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे अगर आपने किसी से जबरदस्ती काम कराया तो, ठीक है। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान है, आर्टिकल 21। और इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार भी प्राप्त है। अधिकार, आप हमारी इजाजत के बगैर हमारा फोन, हमारा कमरा, हमारा कुछ भी नहीं टच कर सकते। यहां तक कि मुझे अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार होता है, कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। चाहे
कोई भी हो, भाई बहन माँ बाप, कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। आर्टिकल 21 ये कहता है, आप अपना जीवन साथी जिन्हें जिसे चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं, ठीक है। पर ये किताबों पर ही पढ़ने में अच्छा लगता है ना, ऐसे करते हैं तो वास्तव में मुंह तोड़ दिया जाता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया? आर्टिकल 25 में। कहाँ कर? आर्टिकल 25 के अंतर्गत कहा गया। किस संविधान संशोधन के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार पहुंच गया। कहा गया 86वें संविधान संशोधन संबंधित है तो कहा गया 6 से 14, क्या 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, जो कहां पर जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 21 के अंतर्गत, और इसे बनाया गया मूल अधिकार, या आप कह सकते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया, ठीक है ना। कहा गया संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम मांग किसने? तो स्वराज पार्टी ने की थी 1934 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ये लास्ट है और इसके आगे कल पढ़ाएंगे ना, एक एक करके देखते हैं। कहा गया मूल अधिकार है तो हमारे कितने मूल अधिकार हैं? टोटल 6 मूल अधिकार प्राप्त किए गए। कितने? 6। तो पहला है समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 32 में ये बात कही गई है। तो अब एक एक करके देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके ना आ गए। अब आगे देखो, आपको मैंने भाग 2 तक की बात बता दी है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने यही आएंगे। क्या आएंगे? मूल अधिकार, ठीक है। तो मूल अधिकार पर अगला वीडियो जब भी आएगा पॉलिटी का, तो मूल अधिकार से संबंधित बातें की जाएंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।